नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कोलकाता के फोर्ट विलियम के बारे में बताएंगे। फोर्ट विलियम कोलकाता शहर में हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। वर्ष 1696 में निर्मित इस किले का नाम किंग विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। फोर्ट विलियम 70.9 एकड़ में फैली हुई एक शानदार संरचना है, जो सैकड़ों मेहराबदार खिड़कियों से सुशोभित है, जो पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए कोलकाता का प्रमुख आकर्षण केंद्र बना हुआ है और प्रत्येक वर्ष कई हजारों पर्यटकों की मेजबानी करता है। फोर्ट विलियम में कुछ खामियों को देखते हुए एक और नए अष्टकोणीय भवन का निर्माण किया गया था, जिसमें एक आंतरिक गढ़ शामिल था जहां कैदियों को रखा जाता था। यही वजह है कि इसे कलकत्ता के ब्लैक होल के रूप में भी जाना जाता था। फोर्ट विलियम वर्तमान में यह पूर्वी कमान के मुख्यालय के रूप में भी कार्य करता है। फोर्ट विलियम का एक लंबा और शानदार इतिहास है जो इसके नाम से जुड़ा है। मूल रूप से फोर्ट विलियम का निर्माण 1696 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जॉन गोल्ड्सबोरो के अधिकार के तहत बनाया गया था और इसका नाम वर्ष 1700 में किंग विलियम के नाम पर रखा गया। 1701 में फोर्ट विलियम में कुछ खामियों को देखते हुए एक और नए अष्टकोणीय भवन का निर्माण किया गया था, जिसमें एक आंतरिक गढ़ शामिल था जहां कैदियों को रखा जाता था। यही वजह है कि इसे कलकत्ता के ब्लैक होल के रूप में भी जाना जाता था। 1756 में बंगाल के नवाब सिराज उद दौला ने विलियम किले पर हमला किया और अस्थायी रूप से शहर को जीत लिया और उसने इस क्षेत्र का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया और किले पर भी अपना अधिकार कर लिया। फोर्ट विलियम ईंट और मोर्टार से बनी एक भव्य अष्टकोणीय संरचना है। इसके तीन किनारे गंगा नदी का सामना करते हैं, जबकि शेष में हरियाली से भरा एक सुंदर मैदान था। किले का डिजाइन एक तारे के पैटर्न का अनुसरण करता है और इसका निर्माण इस तरह से किया गया था कि इसे तोप से दागे गए गोलों से भी नष्ट नहीं किया जा सकता था। किले के अंदर प्रवेश करने के लिए चौरंगी, प्लासी, कलकत्ता, वाटरगेट, सेंट जॉर्जेस और ट्रेजरी गेट सहित 6 द्वारों का निर्मित किया गया था। फोर्ट विलियम वर्तमान में यह पूर्वी कमान के मुख्यालय के रूप में भी कार्य करता है। वर्तमान में किले में कई आधुनिक दिन की सुविधाएं हैं, जो स्विमिंग पूल, फायरिंग रेंज और एक बॉक्सिंग स्टेडियम सहित अपने रहने वाले सदस्यों को प्रदान करता है। यह लगभग 10,000 इंटन को घर देने के लिए पर्याप्त है और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक प्रमुख संसाधन है। फोर्ट विलियम पर्यटकों के घूमने के लिए सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, फोर्ट विलियम की पूर्ण और रोमांचक यात्रा के लिए 1 से 2 घंटे का समय निकालकर फोर्ट विलियम की यात्रा सुनिश्चित करें। अगर आप कोलकाता में फोर्ट विलियम घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बता दें, फोर्ट विलियम में पर्यटकों के घूमने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। क्रांति ओडिशा का यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।